और बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली की खबर के साथ करेंगे। यूपी में लव जिहाद काफी दिन से मुद्दा बना हुआ है, कल इसे लेकर बरेली में बवाल हुआ। तस्वीरों में देखिए किस तरह हंगामा और तोड़फोड़ की गई। तेजी से वायरल हो रही तस्वीर बरेली के किला थाने की है। वीएचपी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आरोपी लड़के को पकड़ने की मांग को लेकर किला थाने का घेराव करने पहुंचे थे। देखते ही देखते हंगामे में ये सब कुछ तब्दील हो गया। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लापरवाही और लाठीचार्ज को लेकर चौकी इंचार्ज समेत कई सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। थाने के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। मामला दो मजहबों के लड़के लड़की के प्रेम का है। 17 अक्टूबर को एक लड़की घर से गायब हो गई थी। लड़की के पिता ने एक लड़के पर प्रेम जाल में उसे फंसाकर भगाने का आरोप लगाया। लड़की के पिता के मुताबिक लड़का दूसरे धर्म का है। उसने खुद को हिंदू बताकर लड़की को बहलाया। छात्रा के पिता का यह आरोप है कि छात्रा अपने साथ 8 लाख रुपए और सोने की चेन भी ले गई। इस बीच छात्रा ने अपना वीडियो जारी करके कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का ये मामला, जिसको लेकर बरेली के एक थाने में भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने जब बीच बचाव किया तो उनकी कार्रवाई पर भी सवाल उठे, जिसको लेकर कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है, लाइन हाजिर भी किया गया है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बरेली के थाने में लव जिहाद बंद करो के नारे तक लगाए गए। हंगामे और तोड़फोड़ के बीच पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। काफी देर तक दरअसल थाने के बाहर इस तरीके से हंगामा चलता रहा। मम्मी पापा, मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, उसके घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है, एसपीसीडी से ये गुजारिश है कि उनके घर वालों को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है और हम लोग अब शादी कर चुके हैं। वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि जैसे हम पंडित हैं, पंडित अपने आप को दर्शाते थे। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं, जिसमें मेरी लड़की अपने साथ में 8 लाख रुपए और 3 तोले की एक चैन भी लेके गई है। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें। और वीडियो जो वायरल करा गया है, वो उनने तमंचा लगा के या उसे डरा धमका के वीडियो वायरल कराया है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो उस पर दबाव बनाया गया है। एक जो लड़की है वो एक लड़के के साथ चली गई थी, 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो लड़की आज की तारीख में दूसरे राज्य में उसकी लोकेशन मिली है। पुलिस की टीम वहाँ पर पहले से पहुँच के उनको ढूंढ रही है। इसी दौरान जो लड़की के परिवार वाले और कुछ संगठन वाले थाने पर आए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की, उसी में आपस में कुछ बहसबाजी के दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया और उसी में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा इस कार्रवाई के ऊपर उनके ऊपर चौकी इंचार्ज को और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया जा रहा है और जो जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है। बाकी जांच के उपरांत इसमें अन्य अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लड़की को जल्दी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लड़की के पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरन लड़की को ले जाया गया है पैसे के लालच में, जबकि लड़की खुद ये कबूल कर रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है, वो बालिग है और उसे पूरा हक है अपने फैसले लेने का। क्या है ये पूरा मामला, क्या है सच? बिल्कुल नेहा, देखिए लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ प्रेम में थी ऐसा कहा जा रहा है और 17 तारीख को वो अपने प्रेमी के साथ गायब हुई। कल बकायदा जब परिवार को तमाम कोशिशों के बावजूद वो लड़की नहीं लौटी तो हिंदू संगठनों ने इसे हाथ में लिया और बकायदा कल वो बरेली के कोतवाली पहुंचे, जहां पर काफी हंगामा हुआ। उसके बाद हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद ही लोग तितर बितर हो पाए। परिवार का दावा है कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है, हालांकि लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया है और कहा है कि वो अपनी मर्जी से जा रही है और बालिग है। पहले ये भी बताया गया कि लड़की नाबालिग है, लेकिन अब लड़की खुद कह रही है कि वो बालिग है और उसे अपनी मर्जी से जीने का हक है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही उस लड़की को वापस लाया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा, लेकिन अगर वो बालिग है तो उसे पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी देते क्या है ये पूरा मामला यूपी में लव जिहाद और इसे लेकर जो वहां पर
प्रोटेस्ट किया गया, थाने के बाहर हंगामा चलता रहा, लेकिन ये मुद्दा अब गर्मा चुका है। कोई लव जिहाद करके कोई लड़का भगा के ले गया। हम सिर्फ निवेदन ये करने आए थे कि उनको बरामद करके उनके परिवार को उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, कहीं से कुछ गिराया जाए। अब कुछ युवा नारेबाजी कर रहे थे और कुछ बाहर के लड़के घुसाए थे, उन्होंने यहाँ आकर एक दो कुर्सियाँ तोड़ दी। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज हैं, उसने इशारा किया कि जाओ लाठी मारो, और इन्होंने लाठी बांझी लगी हमारे कार्यकर्ताओं को। तो यूपी में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया, तो वहीं एमपी में मदरसे को लेकर एक मंत्री के बयान से हड़कंप है। मध्यप्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कल यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मदरसों में आतंकी पलते हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। बिहार का रुख करेंगे। क्या बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित है? बिहार की जनता की नब्ज टटोलने के लिए आज तक ने सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल से संकेत मिले कि बिहार में नीतीश सत्ता में बने रह सकते हैं। बिहार चुनाव पर आज तक का ओपिनियन पोल। बिहार में एनडीए को मिल सकता है बहुमत। क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार? बिहार का पहला रुझान आ गया है। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी बहुमत के आंकड़े तक आराम से नीतीश पहुंच जाएंगे। तेजस्वी के महागठबंधन को 88 से 98 सीट मिल सकती है। चिराग की LJP 2 से 6 सीटों पर ही सिमट सकती है। अगर वोट शेयर की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। तेजस्वी के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं। छह दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF को 7% वोट मिल सकते हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। लेकिन इस ओपिनियन पोल से दूसरे बड़े संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। वो सत्ता में तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। बिहार के लिए बेहतर सीएम कौन होगा, इस सवाल पर लोगों की राय में तेजस्वी पीछे नहीं है। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। लालटेन का युग गया तो हम कहते हैं कि तीर का युग गया तो मिसाइल का युग आ गया। ए बता, तीर ऐसे बिना धनुष के बंदूखे लिया कोनो तीर लिए हुए कारे काहे बंदूक लिए हुए काहे तोप लिए हुए। कुछ लोग हैं जिनको कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उससे कुछ बोलते रहते हैं। आप देखते हैं खूब छपता रहता है। अरे भाई, मेरे खिलाफ जितना बोलने का मन है बोलते रहो, हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको तो काम से मतलब है। नीतीश पर तेजस्वी लगातार हमलावर हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ी जरूर है, लेकिन क्या ओपिनियन पोल से ये साफ है कि सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता है? सत्ता में वापसी करने के लिए RJT को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आज तक ब्यूरो।
लोकनीति सीएसडीएस ओपिनियन पोल में बिहार की जनता के मिजाज को समझने की पूरी कोशिश की गई। हमने नीतीश कुमार के कामकाज पर भी लोगों की राय जानी। सिर्फ 52% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 2015 के मुकाबले 80% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की थी। यानी लोगों की राय 5 साल में काफी बदल गई है। बिहार के मुद्दे की बात करें तो सीएसडीएस ओपिनियन पोल में लोगों ने विकास और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। 29% लोग विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। 20% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ओपिनियन पोल में चिराग पासवान की एलजेपी को सिर्फ 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। आज तक ने जब चिराग से इस पर प्रतिक्रिया ली तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इस चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली तो लड़ाई जारी रहेगी। शेर का बच्चा हूँ, अकेला जंगल छीनने निकला हूँ और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक इस रणभूमि में मैं बना रहूंगा। जो आपने कहा कि आपको ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, या आपने मेरे सामने तो कह दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके इसी सर्वे से उनकी नींदें उड़ जाएंगी। वो लोग तो मेरा खाता खुलने तक की बात कर रहे थे कि इसका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट भी नहीं पा पाएंगे, चिराग पासवान कुछ लोगों के दावे थे। उन लोगों को अगर आप अपना ओपिनियन पोल दिखाएंगे तो उन लोगों को परेशानी होगी। बट दिखाई रहे हैं चिराग, उनको परेशानी होगी, इसलिए उनको मत बोलिएगा कि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यही आंकड़ा बहुत बड़ा है। पर अभी मैं आपको इतना बताऊंगा हिमांशु कि अभी तो मैं निकल ही नहीं पाया हूँ, अभी तो मैं पिताजी के श्राद्ध के कार्यक्रमों में ही मैं व्यस्त था। आज उनकी 13वीं हुई है और कल से सही मायनों में रणभूमि में मेरा आगाज होगा, रण क्षेत्र में उतरूंगा। और अभी आपका पहला ये ओपिनियन पोल मुझे 8 से 10 दिखा रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप ही के ओपिनियन पोल बहुत बड़ी संख्या और दिखाएंगे। मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें जीतूंगा, ये आज मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूँ। तो बिहार में प्रचार की जंग तेज और तीखी होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। नड्डा ने कांग्रेस को देशद्रोही तक ठहरा दिया। कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को अपवित्र करार देते हुए नड्डा ने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर दिया। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं कहता हूं नाड़ी का रणधराज नरसंहार याद है ना आपको, याद है कि चरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना। ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक, 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है, इसलिए आरजेडी है कहां। तो हमने देखा है किस तरीके से बिहार के चुनाव प्रचार में भोजपुरी गीतों का तड़का भी लगातार लग रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए के प्रचार के लिए एक वीडियो तैयार किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जोर है। कल छतरपुर जिले के बडाल मरहा में विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की खूब मिमिक्री की। और मंच पर आके कहा था 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सही है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर देश को कोरोना से आगाह किया है। पीएम ने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कोई ढिलाई ना बरती जाए। हमें ये भूलना नहीं है
कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। 9 बज गए, में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।